सोनीपत में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां यमुना में नहाने गए चार दोस्त तेज बहाव में बह गए, जिसमें से दो दोस्तों के शव पुलिस और ग्रामीणों की मदद से ढूंढ लिए गए। बाकी दो बच्चों की तलाश ग्रामीण और पुलिस कर रही है। सोनीपत के सिरसा चाटी गांव के रहने वाले चार दोस्त यमुना नदी में नहाने गए थे। तस्वीरों में दिखाई दे रही साइकिल और चारों दोस्तों की पैरों की चप्पलें हैं, जो सुबह यमुना पर नहाने गए थे, जहां पर तेज पानी के बहाव में चारों दोस्त बह गए। आसपास के लोगों ने बच्चों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने गोताखोरों और किश्ती की मदद से ललित और अंकित के शव को बरामद कर लिया। बाकी आदित्य और नितिन के शव को ढूंढा जा रहा है। और तीन बच्चे बच गए, जो बचाने के लिए एक बच्चे को, तीन बच्चे डूब गए साथ में उसके। दो डेड बॉडी मिल चुकी है, दो अभी नहीं मिली। कितने टोटल थे बच्चे? सात बच्चे थे टोटल, तीन बच्चे बाहर ही बैठे थे, वो बचाने के चक्कर में तीन बच्चे और साथ डूब गए, एक बच्चे को बचाने। किस चीज़ पे पहुंचे अंकल जी? ये साइकिल पे थे, स्कूटी पे थे। पता चला अंकल जी क्या करते थे बच्चे? ये बच्चे स्टूडेंट हैं, सोनीपत पढ़ते हैं, ग्रीन वैली में। या भी उन्हें चारों बच्चे जब छुट्टी के दिन पहुंचे थे? हाँ जी, संडे था, स्टेडियम में गए थे सुबह घर से, तो वहीं थे। सुबह के टाइम यहाँ पे बच्चे नहाने के लिए आए, सात बच्चे थे, जिसमें से पहले एक डूबे, उसके बाद वो एक को डूबते हुए देखा तो तीन और उसके साथ निकालने के लिए लग गए, तो चार का चार बह गए, जो तीन ऊपर रह गए उसी ने शोर मचाया कि डूब गए डूब गए जी। कितने बच्चे मिल चुके हैं सर? कितने? दो बच्चे मिल चुके हैं और वो दोनों राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल भेज दिया गया है और दो की तलाश जारी है। कहाँ के रहने वाले थे बच्चे? ये आसपास के सिरसा गांव की रहने वाले। क्या नाम है? नाम तो उसका अभी मैंने लिख रखा है उसमें।